कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की बड़ी बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोपहर 12 बजे हालात पर चर्चा करेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,000 के पार पहुंची, मरने वालों की संख्या भी 718 हुई। 24 घंटे में 1,684 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, 37 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण से सभी राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे, जहां अब तक 6,430 मरीज कोरोना संक्रमित हुए, 283 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 2600 से ज्यादा मरीज, 112 की मौत। मध्य प्रदेश में 1700 मरीजों में से 83 ने जान गंवाई। महाराष्ट्र का बीड जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ, आखिरी कोरोना संदिग्ध का टेस्ट भी नेगेटिव आया, जिले की निगरानी में कोई ढील नहीं दी जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही गली में मिले 43 कोरोना संक्रमित, एच ब्लॉक सील, सी ब्लॉक में 36 संक्रमित मिले थे। मैरोली में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हुआ, अपार्टमेंट सील किया गया। गोवा और मणिपुर के बाद त्रिपुरा को भी कोरोना मुक्त राज्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने कहा, राज्य में कोरोना के दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करके आम लोगों ने मिसाल पेश की, घर घर जा रहे मेडिकल स्टाफ का बुके देकर सम्मान किया जा रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 1,91,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले अमेरिका में 50,000 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,25,000 पहुंची। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।